आज हम बीएससी पार्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हमने लिया है पहला टॉपिक सरल रेखा। सरल रेखा का सामान्य समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ m रेखा की प्रवणता तथा c अंत्यखंड है। अगर हम इस सरल रेखा को ग्राफीय रूप में निरूपित करें तो ये सरल रेखा इस प्रकार से है। ये सरल रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है और y अक्ष पे काटा गया अंत्यखंड c है। सरल रेखा की प्रवणता m का मान tan थीटा के तुल्य होता है। क्योंकि tan थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है और उसके बाद नेगेटिव होता है, तो अगर x का गुणांक पॉजिटिव है इसका मतलब वह रेखा x अक्ष के साथ 90 से कम का कोण बनाएगी, और यदि x का गुणांक नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये सरल रेखा x अक्ष के साथ 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बनाएगी। इसी तरह से अगर सरल रेखा का समीकरण है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब सरल रेखा y अक्ष के साथ तो पॉजिटिव अंत्यखंड काटी यानी इस पॉइंट से गुजरेगी, लेकिन क्योंकि x का गुणांक नेगेटिव है तो इसका जो कोण है यह 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी इस रेखा का समीकरण इस प्रकार से होगा, और ये कोण x अक्ष के साथ होगा थीटा और ये अंत्यखंड है c। यदि सरल रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स माइनस सी है तो इस स्थिति में क्योंकि c नेगेटिव है यानी ये y अक्ष के नेगेटिव साइड से जो है अंत्यखंड c काटेगी, और क्योंकि x का गुणांक पॉजिटिव है तो इसका जो कोण है वो 90 डिग्री से कम होगा, तो इस प्रकार से जो ये रेखा है वो इस प्रकार से ड्रॉ होगी, और यहाँ पे थीटा कोण 90 डिग्री से कम है और c नेगेटिव है तो ये y अक्ष की नेगेटिव साइड पे जो है अंत्यखंड को काट रही है। इसी प्रकार से यदि हम सरल रेखा का समीकरण लेते हैं y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी, तो इस स्थिति में यहाँ पर क्योंकि c अंत्यखंड नेगेटिव है तो सरल रेखा यहाँ से गुजरेगी, और माइनस m जो है यह नेगेटिव है इसका मतलब इसका x अक्ष के साथ जो कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ये सरल रेखा का समीकरण इस तरह से होगा। ये एंगल जो है x अक्ष के साथ 90 डिग्री से अधिक है और ये y है, और ये इसने y की ऋणात्मक साइड पे जो है अंत्यखंड काटा है। अगर अब हम इसके कुछ एग्जांपल लें, जैसे हमें क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि कोई भी जो सरल रेखा है दी गई समीकरण है उससे आप अंत्यखंड ज्ञात कीजिए और सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y बराबर 5। ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि इसकी प्रवणता अंत्यखंड ज्ञात कीजिए और इसका ग्राफीय निरूपण भी बताइए, तो पहले हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लिखेंगे माइनस 2x प्लस 5, ये 3 नीचे आ जाएगा। अगर हम इसे कंपेयर करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे m का मान है माइनस 2/3 और c का मान होगा 5/3। अगर हम यहाँ से देखें तो प्रवणता नेगेटिव है, इसका अर्थ है कि ये x अक्ष के साथ माइनस कोण बनाएगी और 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगी, और अंत्यखंड जो है 5/3 पॉजिटिव है तो ये y अक्ष की पॉजिटिव साइड से जो है अपना अंत्यखंड काटेगा। तो इसको हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि y अक्ष की पॉजिटिव साइड यानी यहाँ से 5/3 ये अंत्यखंड काटेगा, और चूँकि इसकी प्रवणता नेगेटिव है तो इसका कोण x अक्ष के साथ 90 डिग्री से अधिक होगा। तो इस तरह से जो है इसका ग्राफीय निरूपण हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें एक समीकरण दी जाती है y बराबर 5x, तो y बराबर 5x अगर हमें दी जाती है तो हम देख रहे हैं कि इसमें अंत्यखंड c की वैल्यू है 0 और इसकी प्रवणता m बराबर है 5। अंत्यखंड c की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये y अक्ष से 0 अंत्यखंड काटती है, तो यानी ये मूल बिंदु में से गुजरेगी, और चूंकि प्रवणता का मान पॉजिटिव है इसका अर्थ है कि ये x अक्ष के साथ धनात्मक 90 डिग्री से कम का कोण बनाएगी, और इसकी जो सरल रेखा की जो है इस तरह से हम इसको ग्राफीय रूप से निरूपित कर सकते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर देखें तो जब हम केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शंस करते हैं
या जीरो ऑर्डर रेट रिएक्शन करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा रेट लो है वो है ए बराबर माइनस के टी प्लस ए जीरो। ये आरंभिक सांद्रता है पदार्थ की और ये टी समय पे सांद्रता है और ये अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट है। हम देख रहे हैं अगर हम इसे कंपेयर करें वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ देखिए एम का मान है माइनस के और सी का मान है ए जीरो। अगर हम इसको ग्राफीय रूप से निरूपित करें तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, एक्स अक्ष पे हम लेंगे टी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स और टी को कंपेयर किया है, और वाई अक्ष पे हम लेंगे ए को, और यहाँ पर जो सी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पे ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए जीरो की। और क्योंकि टी का गुणांक नेगेटिव है, प्रवणता जो है इसकी माइनस के बराबर है, तो इसका मतलब यह एक्स अक्ष के साथ जो है 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगी। ये कोण आ गया हमारे पास थीटा। तो यहाँ पर जो प्रवणता है, अगर हम इस थीटा एंगल को ज्ञात कर लें तो ये टेन थीटा और ये बराबर होगा माइनस के। तो यहाँ से हम जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का जो है रेट कांस्टेंट या फिर जब हम के निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास समीकरण है लोग ए बराबर माइनस के बटे 2.303 टी प्लस लोग ए जीरो। इसे भी हम वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की जगह टी है, सी की जगह लोग ए जीरो है और वाई की जगह लोग ए है। तो इसमें जो ग्राफ खींचा जाएगा वो खींचा जाएगा एक्स अक्ष पे हम लेंगे टी और वाई अक्ष पे हम लेंगे लोग ए। अब हम यहाँ देख रहे हैं अंत्यखंड का मान है लोग ए जीरो, तो और ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर लोग ए जीरो की वैल्यू आएगी ये। और क्योंकि टी का जो गुणांक है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक बनेगा और ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकाल लें जो कि प्रवणता है, और टेन थीटा का जो मान है वो बराबर होगा माइनस के बटे 2.303 से, तो के का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस 2.303 टेन थीटा। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है वो खींचने के बाद अगर हम उसका थीटा निकाल लें और थीटा का टेन निकाल के उसको माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसके अभिक्रिया के गुणांक की वैल्यू। तो इस तरह से जो है ये हम कई सारी जो चीज़ें हैं इससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको जो है एक प्रश्न दिया जाए, अब इसके अभ्यास के लिए आपको मैं कुछ प्रश्न देती हूँ जिन्हें आप सॉल्व करके प्रवणता के मान निकालिए और उसका ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है एक्स बटे दो प्लस वाई बटे तीन बराबर पाँच की प्रवणता एवं अंत्यखंड ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है नाभिकीय अभिक्रिया में क्षय गुणांक लैम्डा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अभिक्रिया है लोग
एन बराबर माइनस लैम्डा बटे 2.303 टी प्लस लॉग एन जीरो। यहाँ पे इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि आप जहाँ यहाँ पर टी और लॉग एन के बीच में ग्राफ खींचेंगे और उसका जो स्लोप है वो माइनस लैम्डा बटे 2.303 के बराबर होगा और यहाँ से जो है आप वैल्यू निकाल सकते हो लैम्डा बटे 2.303 की और टेन थीटा के मान से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो।